डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर एट, एक्सरसाइज 50। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, यहाँ पे ऐड दिया हुआ है, लेकिन इसी एक्सरसाइज में आपको ऐड, सबट्रैक्ट और मल्टीप्लाई आगे मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड ही है, ऐड द फॉलोइंग, तो यहाँ पे पॉइंट वाला ऐड है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल जो हम ऐड बनाते हैं उसी तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं और गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ही ऐड कर लेते हैं, बोर्ड में करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जैसे 9 हो गया, 909 हो गया, और फिर यहाँ भी 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पे कितना हो गया, 10, 73 10 हो गया, तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, और यहाँ 1 हाथ में बच गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और हाथ वाला 1 2 हो गया, 2 और ये 1, तो 120.99 ये इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर में यहाँ पे है 69, 15 हो गया, 15 5, 1 बच गया, 93 12 हुआ, 12 और 1 13, पॉइंट लगा दिए, 1 बचा हुआ है, 57 12 हो गया, और 12 और हाथ में जो बचा हुआ है 13 हो गया, तो यहाँ पे 3, फिर 1 बचा हुआ है, 9 2, 11 और 1 12 हो गया, तो यहाँ पे 2, फिर 1 बचा हुआ है, 5 2 7 और 1 8 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो बेहतर हो कि आप जो हाथ में बचता है उसको आप लिख कर रखें, इससे क्या होगा, गड़बड़ होने की संभावना नहीं होगा। तो यहाँ पे 9 3 12 हो गया, 2 1 बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ 1 लिख लेते हैं, 7 और 1 8 हो गया, और इधर 8 16 हो गया, 16 के 6 हो गया, तो फिर 1 बचा हुआ है, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, और 9 1 10 हो गया, 9 10 और 3 13 हो गया, तो 13 यहाँ 3 यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, 3, अब फिर 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 1 9 3 12 हो गया, 12 और 1 13 हो गया, फिर यहाँ पे 3 और फिर 1 बचा हुआ है, यहाँ 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया, तो ये 4 यहाँ, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर यहाँ पे, इसमें 1 नंबर में ए बी सी दिया हुआ था, 2 नंबर में ए बी सी, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ 3 लेयर में दिया हुआ है, तो 8 8 16 और 8 8 कंसोलर 24 24 और 1 25, तो यहाँ पे 5 लिखते हैं, 25 मतलब 2 बचा हुआ है, 2, तो यहाँ 9 3 12 हो गया, 12 13 14 14 4, अब 1 बचा हुआ, तो 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ 10 हो गया, 10 और 8 18 18 और 2 20 हो गया, तो यहाँ 0 लिखते हैं, 20 का, और यहाँ पे 2 हाथ में बच गया, तो 2 2 4 हो गया, और 1 5, तो 5, तो यहाँ पे हाथ में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब 7 7 6 13 हो गया, 13 3 हो गया, 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 1 5 1 6 ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इसको लेते हैं, एकदम सिंपली बनाना है, क्योंकि ऐसे तो जोड़ बनाने में गलती होने की संभावना नहीं रहता है, लेकिन एग्ज़ाम में जब आप बैठे हुए हैं तो वहाँ पे बहुत संभावना बन जाती है, एग्ज़ाम में कुछ भी गलत होने की संभावना ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाता है उसका। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे 7 3 10 हो गया, 10 और 6 16 हो गया, 6, 1 बचा हुआ है, तो 1 यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ पे 10 हो गया, और 8 18 हो गया, 18 के 8 लिखते हैं, यहाँ पॉइंट देते हैं, और 1 बचा हुआ है, तो यहाँ 1 ले लेते हैं, और यहाँ 8 2 10 हो गया, 10 और 5 10 5 15 15 और 1 16 6 लेते हैं, यहाँ 1 बच गया, तो यहाँ पे ये 2 हो गया 4 और 1 5, कुछ भी नहीं बचा हुआ हाथ में, यहाँ पे 9 1 10 10 और 7 17 17 के 7 देते हैं, 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे ये 4 हो गया, 3 1 4 और 4 8, ये 8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट लेते हैं, 6 8 14 14 के 4 हो गया, 1 बचा हुआ है, यहाँ 8 7 15 और 1 16 6 और बचा हुआ है 16, तो 1 बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे 8 7 15 हो गया, 15 और 5 20 हो गया, 20 और 1 21, तो 1 2 बच गया, 7 7 14 15 16 16 6, फिर 1 बच गया, तो यहाँ पे 1 और 9 3 12 और 1 13, फिर 1 बच गया, तो 1 1 2 हो गया, ये इस तरह से हम आसानी से इजीली ऐड कर सकते हैं पॉइंट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे भी ऐड करने के लिए दिया हुआ है, जैसे कि ये 1 नंबर 2 नंबर में ऐड करने के लिए दिया हुआ था, यहाँ पे कॉलम बना हुआ है,
और यहाँ पे कॉलम बना के इसको सीधा लिखा हुआ है, कॉलम बना के इसको ऐड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट इन कॉलम्स, कॉलम बनाना है और फिर इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको बोर्ड में। यहाँ पे ए नंबर का मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका कॉलम बना लिया है, तो इसको सिंपली यहाँ पे ऐड करना है। तो 8 9 17 हो गया 17, तो यहाँ पे 1 बच गया 1। कोई रिस्क मत लीजिए, आप लिख लीजिए, इससे क्या होगा गड़बड़ी होने की संभावना नहीं होगा। तो यहाँ 7 1 8 हो गया 8, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, 4 1 5 और यहाँ पे 7 1 8 हो गया और यहाँ पे 4, तो ये इसका आंसर हो गया। बी पार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, ये बी पार्ट है और इसमें 3 लेयर में दिया हुआ है, एक यहाँ से यहाँ, यहाँ कोमा लगा हुआ है और फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो 3 लेयर में मैंने इसको कॉलम में सजा लिया है। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे तो 5 4 9 हो गया, 9 और 2 11 हो गया, 11 का 1 हो गया, 1 बच गया, यहाँ पे देते हैं इसको, और यहाँ पे 8 और 1 9 हो गया, और फिर 9 9 9 18 18 और 3 21 हो गया, तो 21 का 1 हो गया, फिर 2 बच गया है तो 2 यहाँ लिख लेते हैं, और यहाँ पे 9 और 1 10 हो गया, 10 और 4 14 हो गया, तो 14 का 4 होगा, यहाँ भी 1 बच गया तो यहाँ 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 3 और 2 5 हो गया, यहाँ 5 और हाथ में कुछ बचा हुआ नहीं है, यहाँ पे 4 और 2 6 हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पंकज स्पेंट इतना ऑन ड्रेस, इतना रुपया वो ड्रेस पे खर्च कर देता है, एंड इतना ऑन बुक्स, और इतना रुपया वो किताब पे खर्च कर देता है, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंट, तो वह फिर कितने रुपये टोटल खर्च करता है, मतलब ये ऐड है, इसको यहाँ पे ऐड कर देना है, इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले कहाँ स्पेंड करता है वो, स्पेंट ऑन ड्रेस, स्पेंट ऑन ड्रेस, ठीक है, ड्रेस पे खर्च करता है, कितना खर्च करता है, ₹525.39 और स्पेंट ऑन बुक्स, ठीक है, बुक्स पे खर्च करता है तो कितना खर्च करता है, ₹139.85, ये जो है 85 पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे इसको हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा, इसको करते हैं ऐड, तो 95 हो गया, 14 4 1 बच गया, चलिए यहाँ 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 8 3 और यहाँ पे 4 हो गया, 8 4 12 हो गया, तो 12 तो 12 का 2 हो गया, पॉइंट यहाँ लगा देते हैं, फिर 1 बच गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6 15 हो गया, 15 के 5 फिर 1 बच गया, ये 1 और यहाँ 3 और यहाँ 3 3 3 6 6 लिख दिए, अब हाथ में बचा हुआ नहीं है, फिर यहाँ पे 6, मतलब टोटल वो इतना रुपया खर्च करता है, तो ये 4 नंबर का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,